के वचन को निभाने के लिए भगवान राम ने अयोध्या छोड़ी और 14 साल के लिए जंगलों की ओर रवाना हो गए। पिछले हफ्ते आपने देखा कि वनवास यात्रा में श्री राम का पहला पड़ाव था प्रयाग और प्रयाग के बाद चित्रकूट। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, श्री राम के वनवास की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। रामायण के मुताबिक भगवान राम ने वनवास के 14 साल में करीब 11 साल दंडकारण्य में बिताए थे और दंडकारण्य के बाद उनका सबसे बड़ा पड़ाव बना पंचवटी, जहां लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी, जहां रावण ने सीता का हरण किया। वैसे तो इन कहानियों का नाट्य रूपांतरण आपने फिल्मों और सीरियल में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको इन घटनाओं से जुड़ी कुछ ऐसी निशानियां दिखाने जा रहे हैं जो रामायण में तो मौजूद हैं लेकिन इससे पहले किसी टीवी कैमरे में कैद नहीं हुई। रामायण में जिस पंचवटी का जिक्र हुआ ठीक वैसी ही जगह महाराष्ट्र में मिलती है। सिर्फ मिलती नहीं, वहां ऐसी कई निशानियां भी हैं जो देखने वालों को हैरत में डाल देती। लेकिन पंचवटी से पहले हम आपको दंडकारण्य ले चलेंगे। दंडकारण्य के जंगलों में भगवान राम ने करीब 11 साल बिताए थे, जिसकी कहानियों को रामायण में अरण्यकांड कहा जाता है। इन जंगलों में एक ऐसी कहानी के बारे में पता चला जिसके बारे में हमने भी नहीं सुना था। लोगों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के इस घने जंगल में एक पर्वत है जिसकी चट्टानें आसपास के दूसरे पर्वतों से बिल्कुल अलग हैं। लोग कहते हैं कि यह पर्वत उन राक्षसों की हड्डियों से बना है जिनका वध श्रीराम ने किया था। दावा होता है कि उस पर्वत की चट्टानों को जलाया जाए तो उनमें आग भी लगती है और ठीक वैसी ही दुर्गंध आती है जैसे किसी इंसानी हड्डी को जलाया गया हो। लेकिन उस जगह तक पहुंचना और उस पर्वत को तलाशना कोई आसान काम नहीं है। मौत के मुंह में समा जाएंगे। ये सफर है अबूझमाड़ पर्वत श्रृंखला का। अबूझमाड़ यानी जो पर्वत श्रीराम के लिए भी अबूझ पहेली बन चुके थे। इन पर्वतों पर हम निकले थे रामायण से जुड़ी एक ऐसी निशानी को खोजने जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में तो हुआ लेकिन उसकी तस्वीरें आज तक कभी सामने नहीं आई। जगह का नाम है रक्षाहाड़ा, यानी वो पर्वत जो रामायण की कथा में हजारों राक्षसों की हड्डियों के ढेर से बना था, जहां उन राक्षसों के जीवाश्म आज भी भगवान राम के पराक्रम की गवाही देते हैं। अबूझमाड़ हजारों किलोमीटर में फैले हुए दंडकारण्य के जंगल की वही वो अंगूठी पर्वत श्रृंखला है जिसे अभी तक कोई बूझ नहीं पाया। चार राज्यों की सीमा से लगे हुए अबूझमाड़ के इन पर्वतों में कोई व्यक्ति अगर एक बार घुस जाए तो उसे खुद भी पता नहीं चलता कि वो कब कहां और किस राज्य में वापस निकलेगा। नमस्कार, मैं आदित्य राय आपको लेकर आया हूँ देश की राजधानी दिल्ली से 1700 किलोमीटर दूर अबूझमाड़ के इन पर्वतों के बीच ऐसी ही एक अनबूझी और अनसुनी कहानी के रहस्य तक पहुंचाने के लिए जहां पर अभी तक कोई भी टीवी कैमरा नहीं पहुंच पाया है। रामायण की मान्यता और पौराणिक दावों के अनुसार अबूझमाड़ के इन्हीं पर्वतों के बीच 7000 साल पहले राम और राक्षसों की सेना के बीच युद्ध हुआ था और इन्हीं पर्वतों के बीच हजारों फीट गहरी खाई में एक जगह ऐसी है जहां आज भी मौजूद है उन हजारों राक्षसों की हड्डियां। लेकिन उस रहस्य तक आपको पहुंचाने के लिए हमें नक्सलियों की राजधानी कहे जाने वाले अबूझमाड़ के इन पर्वतों को पार करते हुए हजारों फीट गहरी खाई में नीचे उतरना होगा। न कोई रास्ते का पता, न मंजिल का सुराग, न कोई पगडंडी, न कोई हमराही, सफर में जंगली जानवरों का खतरा भी और नक्सलियों के अनजान हमले का डर। वैसे इस कहानी को यहां से नहीं उसी जगह से शुरू करते हैं जहां से दंडकारण्य में राम यात्रा की शुरुआत होती है। हर मोड़ पर राम कथा की निशानियों का दावा होता है। तमाम आश्रम, तमाम गुफाएं जहां वनवास के दौरान श्री राम के शरण लेने की बात कही जाती है, लेकिन हमने उन निशानियों को नहीं चुना
हम कुछ ऐसी कहानियों की तलाश में निकले जहां पहुंचने की कोशिश इससे पहले कभी नहीं हुई थी। हमारी पहली मंजिल होगी नक्सलियों के गढ़ नारायणपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर रक्षाहाड़ा। इसके बाद हम निकलेंगे रक्षाहाड़ा से करीब 600 किलोमीटर दूर भद्राचलम की गुफाओं, जहां भगवान राम ने लंबे वक्त तक डेरा जमाया था। रास्ते का हर मोड़ दिल में एक नया सवाल उठा रहा था कि हम नक्सलियों के गढ़ में जा रहे हैं, कोई अनहोनी हुई तो क्या हो, क्या कोई मिलेगा जो हमें रक्षाहाड़ा का पता बता पाए। पता मिल भी गया तो अबूझ माड़ के पर्वतों की भूल भुलैया कैसे सुलझाएंगे। हमारे पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। फिर सोचा क्यों ना इन सवालों को दिल में दबाकर एक ईमानदार कोशिश की जाए और सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाए। सवालों की कश्मकश के बीच हम अपने पहले पड़ाव यानी नारायणपुर पहुंचे। चौराहे पर लोगों की भीड़ जुटी थी। कुछ देर चर्चा की तो पता चला कि यहाँ के लोग कभी रक्षाहाड़ा गए तो नहीं, लेकिन उसके बारे में जानते जरूर हैं। लोगों ने बताया कि उस पर्वत का असली नाम राक्षसहाड़ा था, यानी राक्षसों की हड्डियां, जो बाद में रक्षाहाड़ा कहलाने लगा। इस क्षेत्र में राक्षसों ने आकर जो है ऋषियों के हमेशा यज्ञ उसको हमेशा बाधा डालते थे। श्री रामचंद्र जी ने जाकर इन राक्षसों का वध किया। राक्षस हाड़ा जो बोला जाता है, उन राक्षसों के जो वहाँ मृत शरीर है उनके कंकाल जो हैं वहाँ जब बहुत बड़ी मात्रा में एकत्र हो गए तो एक बड़ी सी पहाड़ी का शक्ल ले लिया। उस पहाड़ी में ऐसा बताया था कि उसके वक्त एक छिड़ी श्री राम जी ने लगा दिया ताकि वह राक्षस पुनर्जीवित न हो जाए। हर शख्स की ज़बान पर बस एक ही कहानी कि कोई पहाड़ है जो राक्षसों के कंकाल से बना हुआ है। उस पहाड़ में पूरे पहाड़ भर हड्डियां बिखरा हुआ ऐसा दिखाई देता। कुछ लोग जो गए हैं वहां से जो वहां की अवशेष हड्डियां लाए और उसको जलाने के बाद उससे धुआं निकली, उस धुएं में हड्डी के जलने की। गांव के लोग हमें बार बार रक्षाहाड़ा न जाने की चेतावनी दे रहे थे। बताया जा रहा था कि वो इलाका नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ है। नक्सलियों से बचे तो जंगली जानवरों का खतरा है, जानवरों से भी बच गए तो अबूझ माड़ की भूल भुलैया हर कदम पर इम्तिहान लेती रही। वहाँ पहुँचना तो बहुत दुर्गम क्षेत्र होने के कारण खाई है, वहाँ पहुँचना मतलब मौत के मुंह में जाना है। वह क्षेत्र एकदम दुर्गम क्षेत्र है और नक्सलियों का वहाँ ज्यादा था, वहाँ के वो क्षेत्र ही भयाक्रांत है। तो रक्षाहाड़ा में ऐसा एक खो है जहाँ जंगली जानवर हर समय रहते हैं। लोगों की बातें सुनकर दिल सहम सा गया। वापस आना बहुत आसान था, लेकिन हमने आसान नहीं बल्कि मुश्किल रास्ता चुना और फैसला किया कि लाख मुश्किलें हो लेकिन हम अबूझ माड़ के जंगलों में जाएंगे और टीवी पर पहली बार खोज कर लाएंगे वो तस्वीरें जिन्हें रामायण की सच्ची निशानियां बताया जा रहा है। नारायणपुर की इंसानी बस्ती को पार करते हुए हम जंगल की तरफ निकल पड़े।
आगे घना जंगल था और श्रीराम की निशानियों को तलाशने के लिए हमें एक लंबा रास्ता पैदल ही तय करना था। सुरक्षा बलों के आखिरी टुकड़ा कैंप से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यहीं से शुरू होती है नक्सलियों की राजधानी अबुझमार के जंगलों की सरहद। राम और राक्षसों के बीच हुए युद्ध का रहस्य जानने के लिए अब हमें हमारी गाड़ी को यहीं छोड़कर इन जंगलों का पैदल सफर तय करना होगा और यहीं से शुरू होता है अबुझमार के इन अबुझ पर्वतों को पार कर हजारों फीट गहरी खाई तक नीचे पहुंचने का सबसे दुर्गम और खतरनाक सफर। रामायण में दंडकारण्य को लेकर जिस तरह का जिक्र किया गया ठीक वैसी ही तस्वीर हमारे सामने है। घना जंगल जहां इंसानी बस्ती का कोई नामो निशान तक नहीं था, रास्ते खत्म हो गए, आगे मंजिल का पता बताने वाला कोई नहीं था। डरते सहमते हमारी टीम रामायण से जुड़ी उस अनदेखी निशानी की तलाश में जंगल के भीतर दाखिल। कुछ देर के सफर के बाद हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी हमने कल्पना तक नहीं की, लेकिन हर मुश्किल से लड़ते हुए आखिरकार हमारी टीम रक्षा हाड़ा तक पहुंची कामयाब रही और पहली बार वो तस्वीर हमारे सामने आई जिन्हें रामायण का सबूत माना जाता है। न जाने कौन सा कदम गलत साबित हो जाए, न जाने किस मोड़ पर नक्सलियों से सामना हो जाए, न जाने कौन सी आहट जंगली जानवरों के हमले का सबब बन जाए। हर खौफ को दिल में छिपाकर हम बढ़ते रहे। चंद कदमों के बाद ही अंदाजा लग गया कि इन पर्वतों को अबुझमार क्यों कहते हैं। अबुझमार के जंगल सही में इतने अबुझ है कि इन्हें पार कर पाना नामुमकिन है। हम लोग करीब 2 घंटे का सफर तय करके एक पहाड़ की चोटी पर अभी पहुंचने ही वाले थे कि अचानक आप लोग देख सकते हैं कि इस जगह से पहाड़ पे आगे बढ़ने का रास्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और किसी जानवर की आवाज यहाँ पे हमें आ रही है। अगर ऐसी परिस्थिति में इस पहाड़ को कैसे पार किया जाए। जंगली जानवरों की आहट मिलते ही हमने रास्ता बदल लिया और पिछले रास्ते से पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश शुरू की। इन रास्तों की हमें कोई जानकारी नहीं, बस इतना पता था कि इन जंगलों के बीच एक गहरी खाई मिलेगी। उस खाई से नीचे उतरेंगे तो एक सफेद पहाड़ दिखेगा जिसकी हर चट्टान किसी इंसानी हड्डी के जैसे होगी। जिन्हें जलाया जाए तो कुछ ऐसी ही महक आएगी जैसे मानव कंकाल के जलने फूल रहे। दिल तेजी से धड़क रहा, थोड़ी रास्ते की थकान भी थी और थोड़ा नक्सली हमले का डर। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का सचिव और उनका सरगना गणपति अपने दलम के साथ अबुझमार की इसी केरल घाटी में छिपा हुआ है और इसी केरल घाटी से वो पूरे देश के नक्सलियों को ऑपरेट करता है। राम और राक्षसों के युद्ध और रक्षा हरा के रहस्य तक पहुंचने के लिए हम नक्सलियों की मान में बंदूक के डर को पीछे छोड़ते हुए हमारा सफर आगे तय कर रहे हैं। अबुझमार की भूल भुलैया में मंजिल के रास्ते ढूंढना लगभग नामुमकिन था। न कोई पता बताने वाला था, न कोई रास्ता दिखाने वाला। करीब 4 घंटे तक जंगल में भटकने के बाद हमें उम्मीद की पहली किरण दिखाई दी। वो किरण थी ये सूखा हुआ झरना। सोचा अगर इस झरने के सहारे ऊपर चढ़ा जाए तो रक्षा हाड़ा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इस घनघोर जंगल की भूल भुलैया में कई घंटों तक भटकने के बाद आखिर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने की छोटी सी किरण दिखाई दी है। वो है इस जंगल का एक झरना जो सूख चुका है
ये झरना शायद पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी से बहता है और पानी के तेज बहाव की वजह से ही इस जगह पर जमीन के बीचों बीच एक कटाव बना है और अब ये सूखा हुआ झरना ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने का एकमात्र आसरा और रास्ता दिखाई दे रहा है। इस झरने के सहारे हम पहाड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ते रहे। हालांकि जितना सोचा था ये रास्ता उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल था। पहाड़ का हर मोड़ एक नया इम्तिहान ले रहा था। जंगल के जिस सूखे हुए झरने के माध्यम से हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस झरने की चट्टानों पर चारों तरफ काई जमी हुई है, जिसकी वजह से इन चट्टानों पर काफी फिसलन है और ये चट्टानें लाल पत्थर की वो कमजोर चट्टानें हैं जो ज्यादा भार करने की वजह से टूट जाती है। पानी के संपर्क में लगातार ये चट्टानें रहती हैं, जिसकी वजह से ये काफी कमजोर हो जाती है और ज्यादा भार पड़ने पर ये चट्टानें टूट जाती है, जिसकी वजह से हमें एक एक पैर जमा कर इन चट्टानों पर आगे बढ़ना पड़ रहा है। अगर हम इन चट्टानों से फिसल कर नीचे गिरे तो ये बड़े बड़े पत्थर हमें गंभीर रूप से चोट पहुंचा सकते हैं। इन रास्तों पर जहन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि अगर वाकई श्री राम इन्हीं रास्तों से गुजरे थे तो उस दौर में ये सफर कितना मुश्किल रहा होगा। हम चंद कदम और बढ़े थे कि इस घाटी में कुछ आवाजें सुनाई दी। शायद ये इंसानों की आवाजें थी जिन्होंने एक पल के लिए धड़कनों की रफ्तार बढ़ा दी। कहीं हमारा सामना नक्सलियों से तो नहीं हो गया? थोड़ा आगे बढ़े तो पता चला कि ये नक्सली नहीं, जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासी हैं जो यहाँ लकड़ियों की तलाश में आए थे। थोड़ी बातचीत हुई तो हमें रक्षाहाड़ा तक पहुँचने का सही पता भी मिल गया। एक पहाड़ पार करके दूसरा पहाड़ और चढ़ना पड़ेगा, एक पहाड़ नहा के दूसरा पहाड़ और चढ़ना और फिर नीचा नीचा बहुत गड्ढा है। अच्छा, खाई है? हाँ। आदिवासियों के बताए रास्ते पर हम आगे बढ़ चले, लेकिन यहाँ भी मुश्किल कम नहीं थी। जंगल के खतरनाक रास्ते पर गिरते संभलते हम आगे बढ़ रहे थे। करीब 8 घंटे बीत चुके थे लेकिन मंजिल अब भी दूर थी। कुछ देर की चढ़ाई के बाद हम पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। बारी अब नीचे उतरने की। इस खाई में कुछ देर के सफर के बाद पानी की एक धारा दिखाई दी। इस थका देने वाले रास्ते में यह धारा हमारे लिए एक सुकून और यह इशारा भी कि हम सही रास्ते पर, यानी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। हमने श्री राम की उन निशानियों की तलाश तेज कर दी। हमारा एक गलत कदम सब कुछ खत्म कर सकता था, लेकिन इन खतरों से बचकर हम आगे बढ़ते रहे। कुछ देर और बढ़ते ही एक पहाड़ी नदी सामने थी। लोगों ने बताया था कि रक्षाहाड़ा का वो पर्वत इसी नदी के पास मौजूद है, इसलिए उम्मीद फिर जमा हुई। आगे के सफर के लिए अब हमें नदी के इन पथरीले रास्तों पर चलना था। एक एक कदम
मीलों से लंबा महसूस हो रहा था। कई बार पैर लड़खड़ा तो कई बार जख्मी भी हुए। चोट लगी, माइक टूटा, लेकिन हमने मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद नहीं छोड़ी। एक फिसलन भरी चट्टान से फिसलने की वजह से हमारा माइक जो है वो पानी में पूरी तरीके से भीग चुका है। हमने इसे अभी सुखाने के लिए रखा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक गंभीर चोट आई है। नदी के किनारे करीब 3 किलोमीटर चलने के बाद वो वट वृक्ष हमारे सामने। माना जाता है कि यही वो वट वृक्ष है जिसे श्री राम ने राक्षसों के वध के बाद लगाया था ताकि वो दोबारा जीवित न हो। अगर वो कहानियां सच्ची हैं, तो इस वट वृक्ष के नीचे जो चट्टाने हैं वो राक्षसों की हड्डियां हैं। बताया जाता है कि कुछ बरस पहले तक इन चट्टानों के बीच एक गुफा भी दिखाई देती थी जो वक्त के साथ बंद हो चुकी है। अबूझमार के जंगल में सारी झकझोर देने वाली बाधाओं और मौत के डर को पार करने के बाद आखिरकार हम आपको ले ही आए हैं 7,000 साल पुराने उस रहस्य तक जहां पर अभी तक कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा। और प्राचीन मान्यता के अनुसार यही वो वट वृक्ष है जिसे 7,000 साल पहले भगवान राम ने अबूझमार के इन जंगलों में बोया था और इसी वट वृक्ष के नीचे मौजूद है उन राक्षसों की हड्डियां जिनका नरसंहार भगवान राम ने अबूझमार के इन जंगलों में 7,000 साल पहले किया था। 7,000 साल के बाद आज राक्षसों की यह हड्डियां जीवाश्म में तब्दील हो चुकी है। हम काफी देर तक इस पर्वत की पड़ताल करते रहे, सोचते रहे कि क्या ये वाकई वही पर्वत है जिसका जिक्र रामायण में किया गया। क्या वाकई ये पर्वत उन राक्षसों की हड्डियों से बना है जिनका वध खुद श्री राम ने किया था। एक बात तो थी, इस पर्वत की कुछ चट्टानें आसपास की चट्टानों से बिल्कुल अलग थी, लेकिन सिर्फ इन चट्टानों को देखकर ये कहना मुश्किल था कि ये सब कुछ राक्षसों के जीवाश्म से बना है। साइंस भी इस बात की पुष्टि करता है कि जब हजारों हड्डियों का ढेर किसी एक जगह पर कई हजार वर्षों तक इसी तरीके से खुले में पड़ा रहे तो वातावरण के साथ मिलकर, इन चट्टानों के साथ मिलकर, पानी के साथ मिलकर वो इसी तरीके से फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म में तब्दील हो जाता है। लेकिन चट्टानों में तब्दील हो जाने के बावजूद हड्डियों का ये ढेर अपना गुणधर्म नहीं छोड़ता और इन चट्टानों जीवाश्म को जलाने के बाद इनसे हड्डियों की तरह ही दुर्गंध आती है। लोगों ने बताया था कि रामायण के इस सबूत को परखने के लिए कोई भी इंसान एक आसान प्रयोग कर सकता है। मतलब ये कि अगर इन चट्टानों को आग के हवाले किया जाए तो चट्टान जल उठती और चट्टान के जलने से कुछ वैसी ही महक आती है जैसी हड्डियों को जलाने पर आती है। आम तौर पर किसी पत्थर का जल उठना मुमकिन नहीं होता, इसलिए हमने भी इस प्रयोग को आजमाने का फैसला किया। आसपास से कुछ लकड़ियां जुटाई और इस दावे को आजमाना शुरू किया। हमने जंगल से ही कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर उसका ढेर यहां पर लगा लिया है और यही चट्टान नुमा पजल्स के टुकड़े हैं जो राक्षसों की हड्डियां कहलाई जाती है। अब लकड़ियों के इस ढेर को आग लगाकर हम इन पजल्स को, इन जीवाश्म को, इन लकड़ियों को जलाएंगे और देखेंगे कि इन पजल्स से, इन चट्टानों से सही में हड्डियों की बू आती है या नहीं।
लकड़ियाँ जो है वो अब अच्छी तरीके से जल चुकी है और अब जो है लकड़ियों में लगी है आग, वो जल बुझेगी नहीं। अब मैं ये प्राचीन मान्यता के अनुसार राक्षसों की हड्डियों से बना हुआ ये जीवाश्म इन लकड़ियों पर रखता हूँ और कुछ देर बाद जब ये जीवाश्म धीरे धीरे आग पकड़ेगा और उसमें भी जलने की प्रक्रिया शुरू होगी तो ये अपनी एक अलग दुर्गंध छोड़ेगा। अगर इस पत्थर में से चट्टान नुमा इस जीवाश्म में से अगर हड्डियों के जलने की वो आती है तो प्राचीन मान्यता और गांव वालों ने जो किस्से कहानियाँ हमें सुनाए थे उन किस्से कहानियों को बल मिलता है। ये चट्टान अब पूरी तरह आग के हवाले हो चुकी है। हमने काफी देर तक इंतजार किया। शुरुआत में लगा जैसे ये कहानियां सिर्फ लोगों की कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता कहानी बदलती हुई दिखाई दी। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद वो चट्टान वाकई जलने लगी और ठीक वैसी ही महक आने लगी जैसी हड्डियों के जलने पर आती है। खुद की आंखों पर यकीन करना मुश्किल है, नामुमकिन है कि कोई पत्थर भी कभी जल सकता है। पिछले एक घंटे से हम लोग इस चट्टान नुमा पत्थर को जो है लकड़ियों के ढेर पर रखकर जला रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि चट्टान नुमा इस फ्लेजल्स ने आग पकड़ ली है, आग जल रही है और इसके साथ वो एक अजीब सी दुर्गंध भी छोड़ रहा है और ये दुर्गंध उसी तरीके से है जिस तरीके से हड्डियों को जलाने के बाद दुर्गंध आती है। ये जो कुछ भी हो रहा था वो क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं। हो सकता है कि विज्ञान के तर्क इस रहस्य को सुलझा भी, लेकिन ऐसा करना बेमानी था क्योंकि हम किसी रहस्य को सुलझाने नहीं आए, हम उन निशानियों को तलाशने आए थे जिनका जिक्र रामायण में किया गया और शायद ऐसी ही एक निशानी हमारे सामने थी। लेकिन हमें यहां रुकना नहीं था, अब बारी थी दंडकारण्य में छिपी राम की एक और कथा को खोजने की। इस कहानी ने हमारी उम्मीदों को बहा दिया। अगली निशानी की तलाश के लिए बेकरारी बढ़ चुकी। श्री राम पद के सफर पर दंडकारण्य में अब हमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा को पार करके तेलंगाना पहुंचना, जहां एक ऐसी गुफा है जिसका रामायण में विस्तार से जिक्र किया गया। जगह का नाम है भद्राचलम। रामायण के मुताबिक श्री राम ने भद्राचलम में करीब 2.5 साल बिताए थे और आने वाले युग के लिए अपनी कई निशानियां छोड़ी। तो चलिए चलते हैं भद्राचलम के एक मुश्किल और रोमांचक सफर। से जुड़ी एक नई कहानी की तलाश में एक नया सफर शुरू हो चुका था। हमारी मंजिल थी छत्तीसगढ़ के रक्षाहाड़ा इलाके से करीब 450 किलोमीटर दूर तेलंगाना की एक अद्भुत जगह भद्राचलम। सुनने में यह सफर बहुत आसान था, लेकिन कुछ दूर ही चले थे कि आने वाली मुश्किलों का अंदाजा लग गया, क्योंकि इस सफर के लिए हमें गुजरना था सुकमा और दोरनापाल के घनघोर जंगलों से, जहां नक्सली हमले कोई बड़ी बात नहीं। राम के एक और अनोखे रहस्य तक पहुंचने के लिए हम अबूझमार के जंगलों से भद्राचलम के लिए अपना सफर शुरू कर चुके हैं, लेकिन इस सफर के दौरान हमें नक्सलियों की मान से होकर ही गुजरना है। यही वो झीरम घाटी है जहाँ पर 25 मई 2013 को कांग्रेस के कई नेताओं को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया था।
और इसी तरीके से नक्सलियों की सीमान से होते हुए हमें भद्राचलम पहुंचना है। एक सुरक्षित सफर की उम्मीद में हम आगे बढ़ चले, लेकिन कुछ दूर ही चले थे कि सड़क की हालत कुछ ऐसी हो। पूछा तो बताया गया ये सड़क किसी गांव की नहीं है, ये नेशनल हाईवे 30 है, जिसे नक्सलियों ने अब तक बनने नहीं दिया। ऐसा क्यों है इसका अंदाजा चंद मिनटों बाद ही लग गया। अचानक हाथों में बंदूक लिए दर्जनों जवान दिखाई दिए। पता चला कि जंगल के 500 मीटर दूर ही कुछ नक्सली मौजूद है और मुठभेड़ कुछ ही वक्त में शुरू होने वाली। आप देख सकते हैं कि हर 500 मीटर पर यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के जवानों की टुकड़ियां तैनात है। जंगलों में सर्च अभियान शुरू है। अभी हम इस सीआरपीएफ की बटालियन के सूबेदार से मिले और उन्होंने बताया कि इस जंगल में 500 मीटर अंदर ही नक्सलियों के छुपे होने की खबर है। सीआरपीएफ की 2 बटालियन और एक पुलिस बल की बटालियन अंदर गई है और वो नक्सलियों की खोज कर रही है। इस जंगल में नक्सलियों का सर्च अभियान जारी है। सुरक्षा बल के जवानों ने हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाने की हिदायत दी और मौके की नजाकत को देखते हुए हम आगे बढ़ गए। आगे का लंबा सफर हमें ऐसे ही रास्तों से पार करना पड़ा, लेकिन कुछ घंटों के सफर के बाद हमारा सामना हुआ शबरी नदी से। इस नदी का जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी किया गया है। यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से बहने वाली विशाल शबरी नदी। राम वनगमन की मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम इसी शबरी नदी के किनारे किनारे होते हुए छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उसके बाद तेलंगाना के भद्राचलम पहुंचे थे। प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम इस शबरी नदी के विशाल घाट तट को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और इसके बाद उन्होंने इसी शबरी नदी के पूर्वी तट पर कई महीने तक वास भी किया। कभी टूटे फूटे रास्ते तो कभी खूबसूरत वादियों के बीच हमारा सफर जारी रहा। श्री राम जय राम जय जय राम। कुछ घंटों के इंतजार के बाद हम तेलंगाना के भद्राचलम पहुंच गए और शुरू हो गई श्री राम की निशानियों की एक नई खोज। नमस्कारम श्री सीता रामचंद्र स्वामी वारी देवस्थानम भद्राचलम लोमी स्वागतम, यानी कि राम की नगरी भद्राचलम में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं भद्राचलम और यही हम आपको रूबरू कराएंगे राम के एक और दूसरे रहस्य से। गोदावरी नदी के किनारे बसा भद्राचलम आज भले ही भौगोलिक रूप से तेलंगाना का हिस्सा हो गया है, लेकिन रामायण के मुताबिक पौराणिक काल में ये दंडकारण्य का ही हिस्सा था। मान्यता यही है कि इसी जगह से होते हुए राम, सीता और लक्ष्मण ने गोदावरी नदी पार की थी। हमें बताया गया कि भद्राचलम में रामायण से जुड़ी कई निशानियां मिलेंगी। पर्णशाला में 2.5 साल वहां पे रुके थे भगवान राम जी ने और वहां पे पूरा निशान है, क्योंकि वो मंदिर सीता माता के वो सारी जो पेंटिंग है ना, वहाँ का वो निशान मंदिर है, पत्थरों के ऊपर निशान का मंदिर है और वहाँ पे और मंदिर भी है और उसके साथ साथ एक कुंड भी है, पानी का कुंड है जहाँ पे सीता माता ने नहाया था। हमें कहा गया कि अगर राम से जुड़ी निशानियाँ देखनी है तो पर्णशाला होते हुए गोदावरी नदी के पूर्वी तट के उस पार जाइए। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें विशाल गोदावरी नदी दिखाई देने लगी। प्राचीन मान्यता के अनुसार भद्राचलम से 40 किलोमीटर की दूरी पर इसी गोदावरी नदी के एक तट पर 7000 साल पहले भगवान राम 2.5 वर्षों तक रुके थे और कहा यह भी जाता है कि आज भी गोदावरी नदी के उसी तट पर भगवान श्री राम की 7000 साल पुरानी पर्णशाला मौजूद है। इसके अलावा वहाँ कई ऐसे साक्ष्य भी मौजूद है जो राम के यहाँ रुकने की पुष्टि करते हैं। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें गोदावरी नदी के किनारे होते हुए उस पर्णशाला तक पहुँचना होगा।
करीब एक घंटे में ही हम पर्णशाला में गोदावरी नदी के किनारे थे। यहाँ आकर हमें पता चला कि पर्णशाला से जुड़ी राम की निशानियाँ हमें नदी के दूसरे किनारे पर मिलेंगी। पूर्वी तट पर एक आपको टीला दिखाई देंगे, वहाँ टीला में आपको भगवान श्री रामचंद्र जी का और सीता मैया जी का पैरों का निशान है, लेकिन अभी तो पानी ज्यादा है, अभी कम होने के बाद ही वो दिखाई देंगे। पत्थरों पे ही है आपका, अच्छा, दिखाई देंगे। नदी का उफान देखकर लगा कि दंडकारण्य में राम से जुड़ी निशानियों की हमारी तलाश यहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन हम भी कुछ ठान कर निकले थे। दंडकारण्य के जंगल में अभी जमाल के बाद भगवान श्री राम सबरी नदी होते हुए गोदावरी नदी तक पहुंचे और फिर गोदावरी नदी की पूर्वी तट पर उन्होंने करीब 2.5 वर्षों तक वास किया। कहते हैं कि आज भी गोदावरी नदी के पूर्वी तट पर 7,000 साल पहले भगवान श्री राम के वास के साक्ष्य और सबूत मौजूद है, लेकिन इस रहस्य तक पहुँचने के लिए हमें साल गोदावरी नदी को पार करते हुए उसके उस पूर्वी तट तक पहुँचना होगा। वाले की मदद से हम गोदावरी के पूर्वी तट पर उसी जगह पर उतरे जहां श्री राम के पैरों के निशान मिलने की बात कही जाती है। इन पत्थरों में हमने उन निशानियों को तलाशना शुरू कर दिया। फिर कुछ दिखा। दावा किया जाता है कि पत्थरों पर पैरों जैसे ये निशान भगवान श्री राम के। प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम इन पत्थरों से होते हुए गोदावरी के पूर्वी तट की तरफ आगे बढ़े थे और आज भी इन पत्थरों पर भगवान श्री राम के पैरों के निशान मौजूद हैं। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इस चट्टान पर एक व्यक्ति के पैर की तरह ही एक निशान बना हुआ है और इस टीले पर हमें कितने ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं। उन पत्थरों पर करीब 3 व्यक्तियों के अलग अलग पैरों के निशान हमें दिखाई दिए हैं। गोदावरी के पूर्वी तट पर निशानियों की तलाश में हम और आगे बढ़े। अब हमें तलाश थी सीता कुंड की, जो थोड़ी देर बाद ही दिख गया। दक्षिण भारत की मान्यता के अनुसार यही वो सीता कुंड है जहाँ पर सीता माता स्नान किया करती थी। गोदावरी नदी के पूर्वी तट से मात्र कुछ ही मीटर की दूरी पर यह सीता कुंड स्थित है। भगवान श्री राम ने गोदावरी नदी के पूर्वी तट पर करीब 2.5 वर्षों तक वास किया और इस क्षेत्र में भी भगवान श्री राम कई दिनों तक रहे और इसी दौरान सीता माता यहाँ स्नान किया करती थी, ऐसी उस कुंड की मान्यता है। कहते हैं राम के आने से पहले यहाँ पानी नहीं था। सीता जी के लिए लक्ष्मण ने तीर मारकर पहाड़ से पानी निकाला और इस गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। पहली बार यहाँ पानी नहीं था, उसके टाइम पे लक्ष्मण जी को बुलाया था, वह सीता जी पूछे थे। जब लक्ष्मण जी यही तट पे खड़ा होकर यहाँ से 9 किलोमीटर खरीद में दिखने हैं सर जंगल में है तो पहाड़ बांध संतर के माने से वो पहाड़ फुड़ के वहाँ से पानी निकला। यहाँ से छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य जंगल की सीमा खत्म हो जाती है। श्री राम पथ की निशानियों के लिए अब हमें पंचवटी का रुख करना था, यानी दंडकारण्य का वो हिस्सा जो अब महाराष्ट्र के नागपुर और नासिक में पड़ता है।